जी मेरा नाम गौरव है। गौरव जी पोल्यूशन की बात करिए, कितनी समस्या हो रही है? सर दिक्कत तो है इसमें, क्योंकि अभी से ही आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और काफी ज्यादा परेशानी इसमें हो रही है। रोड पे चलते हैं तो धूल मिट्टी काफी उड़ती है, तो बीमारियों का थोड़ा ज्यादा खतरा है इन चीजों के अंदर। कितना समस्या पैदा हो सकती है इस पोल्यूशन से? समस्या तो सर पैदा हो सकती है, क्योंकि देखो जो झेल रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन मेरे भी आंखों में काफी दिक्कत होना शुरू हो गई है जलन की। क्या लग रहा है इस पर सरकार से क्या अपील है कि इस तरह से शुरुआती दौर में ये हालात है, आने वाले टाइम में, अभी तो बात करी जाए शुरुआती दौर है, आते आते समय कितना बढ़ सकता है पोल्यूशन की बात की जाए? सी सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं देखना कुछ ऐसा उन्होंने कोई कदम अभी तक उठाया है, तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस मामले में कुछ वो करें, कुछ कड़ा कदम उठाएं इस मामले के अंदर। क्या लग रहा है लगातार जिस तरह से पोल्यूशन की बात करी जाए रोडों पे, जैसे आपने बताया आपको जलन से होती है जी, अभी नजरों की ये हालात है, तो बुजुर्गों के लिए कितनी समस्या पंचायत के बच्चों की बात करी जाती है? जी देखिए, हम युवक अगर इस परेशानी को झेल रहे हैं और हमसे नहीं झेला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़े बूढ़े बेचारे कहाँ झेल पाएंगे, वो किसी के पास इंतजाम है किसी के पास नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चों की बात करी जाए, बच्चों की कितनी समस्या बढ़ सकती है इस? हाँ बच्चों के लिए दिक्कत है, क्योंकि वो बेचारे अभी क्या नाम बहुत छोटे होते हैं और उनके लिए क्षमता नहीं होती कि बीमारी झेल पाए वो, तो इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि वो इस मामले में कुछ कड़ा कदम उठाए। सर यहाँ का पोल्यूशन इस वक्त अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से ही इतना खराब है कि देखा जाए तो चारों तरफ यहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, आंखों में जलन पैदा हो रही है। अभी से नौजवानों का ये हाल है, तो बुजुर्गों पर क्या बीतेगी, उनका क्या हाल होगा? तो इस समस्या को हमारी दिल्ली सरकार से थोड़ा कह सुन के और उनको बताया जाए कि इसका कुछ समाधान निकालें। अभी से इतनी प्रॉब्लम है तो आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम होगी? अभी तो धुंध वगैरह भी नहीं है, इतना कोहरा भी नहीं है और थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है, मगर पोल्यूशन को अगर देखें तो वो इतना ज्यादा है अभी से कि आने वाले टाइम में तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। सर प्रभाव तो इससे इतना है कि अभी से ही आप मेरे पीछे थोड़ा सा इधर फोकस मारिए तो आपको पता चलेगा कि कितना यहाँ पे अभी से ही पोल्यूशन दिख रहा है। और प्रभाव का तो ये है कि जिस तरीके से हम लोग अभी से ही खांसी वगैरह और ये जितना भी वो चल रहा है आजकल बीमारियां चल रही हैं, ये सारी 99% पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। अभी से नौजवानों का ये हाल है, तो जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हमारी दादा दादी हैं, आने वाले टाइम में उनके लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे कितनी बीमारी पैदा हो सकती है? सर इससे तो बहुत सारी अनोखी बीमारी पैदा हो सकती है, जैसे खांसी वगैरह चल रही है अभी इसी